नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि दूही किलर के पीछे जाने वाली होती है, तो एक आवाज को सुनकर वो गिरने लगती है। भगवान उसको होल्ड कर लेता है, देन उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। दूही के हाथ का बैंडेज हट गया था, जिसे वो ठीक कर देता है। अगले सीन में हमें दूही की शादी का वेन्यू दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे गेस्ट आए हुए थे, और वहीं दूही अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट को खुद ही प्रमोट करती है अपनी कंपनी की यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना के लिए। इसके बाद मिस चीन उसे बताने लग जाती है कि वेडिंग सेरेमनी के पहले पार्ट में उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। सब ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक दूसरे के लिए कस्मे वादे खाने के बाद रिंग एक्सचेंज होगी, उसके बाद मैरिज डिक्लेरेशन, एक स्पीचेस देने पड़ेंगे और पिक्चर्स भी लेनी पड़ेंगी। और सेकंड पार्ट में न्यूली वेड कपल को सबके सामने एंट्री करनी होगी, केक कटिंग होगा, फिर शैंपियन शावर्स होंगे। आगे मिशन और लंबी लिस्ट पढ़ नहीं जा रही थी, पर दूही उन्हें रोक देती है और कहती है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल होगा तब भी चलेगा। इस पर मिशन कहती है कि मुझे मैडम जू ने जो काम सौंपा है मैं बस उसे अच्छे से निभाना चाहती हूँ। तो दूही कहती है कि प्लीज फिर भी ये लिस्ट थोड़ी सी छोटी कर दो। मिशन तैयारी करने चली जाती है, वहीं पर उनके एम्प्लॉयज इस शादी के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी बॉस की शादी के साथ हमारा नया प्रोडक्ट भी सुपरहिट होने वाला है और हमारे नए ड्रिंक का सेल तो काफी खतरनाक होने वाला है। तो दुही उन्हें शाबाशी देती है उनके इस आइडिया के लिए। तो ये दोनों दुही को ऑल द बेस्ट विश करके चले जाते हैं। तो दुही अपने आप को वेडिंग ड्रेस में देखकर मैडम जू को याद करते हुए कहती है कि आप यही चाहती थी ना, अब तो आप खुश होना। तभी दुही मैडम जू को इमेजिन करती है, जो उसके सामने आकर बैठ जाती है और कहती है कि ये कैसी वेडिंग ड्रेस ली है तुमने, क्या तुम्हें इससे ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं मिली? मुझे पता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही हो, पर फिर भी तुम मिस चिन से कहकर अपनी शादी के लिए कोई भी ड्रेस कैसे ला सकती हो, ये तुम्हारी शादी का सवाल है। दूही कहती कि अभी भी आप इतनी ज्यादा बकबक करती हो, ऐसा करेंगी तो आपकी शिकायतों की लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्या आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, आखिरकार आज मेरी शादी है। तो मैडम जू से अपने प्लांट की ब्यूटी का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। दूही ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप उस दुनिया में कैसी हैं। मैडम जो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ हूँ। दूही कहती है कि लोग कहते हैं कि अमीर लोग मरने के बाद हेवन में नहीं जाते और आप हेल में भी नहीं जा सकती क्योंकि आप बहुत ही अच्छी हो। तो वो इमोशनल होकर उनसे पूछती है कि आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई मैडम जू। जिस पर मैडम जू स्माइल करते हुए कहती है कि मैं बोला तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगी। ये सुन दूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मिस शिन उसे बुलाने आ जाती है, तो दूही अपने आंसू साफ कर कर बाहर चली आती है, जहाँ नोसुक और स्वान अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुके थे। स्वान उसे कहती है कि तो आखिरकार तुम शादी कर ही रही हो। दूही कहती मुझे नहीं लगा था कि तुम सब भी यहाँ पर आओगे। न्यूसुक कहता है कि आखिर हम एक फैमिली है, हम भला क्यों नहीं आते, अगर आज मोम होती तो तुम्हारी शादी देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती। देन दूही से हैंडशेक करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद दूही चली जाती है और नोसुक भी अपनी फैमिली के साथ टेबल पर जाकर बैठ जाता है। स्वान सबसे कहती है कि आहे तुम कब सस्पेंस खोलने वाले हो। नोसुक कहता कि आज उसके लिए खुशी का दिन है, तो आज के दिन उसे खुश हो लेने दो। यानी नोसुक तो कुछ प्लान कर रहा था जिसे वो सही टाइम आने पर यूज करना चाहता था। अभी के लिए वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। दूही चलते हुए अपने दूल्हे की ओर आती है, जो कि गुआन होता है, जहाँ से हमें कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब दूही ने गुआन से पूछा था कि तुमने मुझे शादी के लिए क्यों प्रपोज किया, जिस पर गुआन ने कहा था कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। इसके बाद ही दूही ने गुआन के साथ शादी करने का डिसीजन लिया था। तो दोनों आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को प्रोमिस करने लगते हैं। दूही कहती है कि मैं अभी इसी पल से मिस्टर गुआन को एज माई हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ। गुआन भी कहता है कि मैं भी मिस दूही को एज माई वाइफ एक्सेप्ट करता हूँ। फिर दोनों साथ में कस्मे वादे पढ़ने लग जाते हैं कि मैं हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा, हर प्रॉब्लम से सिचुएशन से साथ मिलकर मुकाबला करेंगे, हमेशा एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे और जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट और प्यार करेंगे। यहाँ फिर से हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ दूही गुआन को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर देती है जिसने उसमें बहुत सारी कंडीशन लिखे थे। गुआन एक एक करके सारी कंडीशंस पढ़ने लग जाता है। नंबर 1, पार्टी ए और पार्टी बी दोनों एक आइडियल कपल की तरह रहेंगे, एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नंबर 3, दोनों एक दूसरे के गोल को अचीव करने के लिए कॉपरेट करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट तब एक्सपायर होगा जब दोनों अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। इसी के पैरेलल दोनों की रिंग एक्सचेंज सेरेमनी हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर जिन इनका मैरिज डिक्लेरेशन करते हैं एंड कहते हैं कि अब ब्राइड एंड ग्रूम एज अ मैरिड कपल आइल क्यू पर अपने कदम बढ़ाएंगे, जिस पर दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे कि अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे के साथ और पास में रहकर गुजारेंगे। इस पर गुआन तो अपना हाथ उठाकर कहता है कि एक सेकंड रुकना, और दूही को धीरे से कहता है कि बाकी की जिंदगी साथ बितानी है, ये तो हमारी डील के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था।
तो दूही सामने हंसते हुए थोड़ा धीरे से कहती है कि ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, वो जो कहते हैं वो करते चलो। इस पर दुआन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, एज अ डायमंड मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन और प्रॉमिसेस को काफी सीरियसली लेता हूँ, और मेरी जिंदगी अभी बहुत लंबी है जितना तुम सोच भी नहीं सकती, इसलिए मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो दूही मिस्टर जिन को इशारा करके अपने पास बुलाती है और ये बाकी की जिंदगी साथ बिताने वाली लाइन को छोड़कर दूसरे प्रॉमिसेस पढ़ने के लिए कहती है, तो मिस्टर जिन वैसा ही करते हैं। दूही और गुआन आइल के ऊपर चलते हुए जाते हैं, बाकी सब तालियां बजाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वही स्वान तो गुआन को देखकर कहती है कि ये बॉडीगार्ड कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं है बॉडीगार्ड बनने के लिए। इधर मिस शाह तो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होकर ताली बजा रही थी, जो देखकर सॉन्ग कहता है कि जरा खुश होकर ताली बजाओ। मिस शाह कहती है कि मैं तो अपने आप को गुआन के साथ इमेजिन कर रही थी, मगर अब ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो सैड हो जाती है। उधर मिस शिन और बटलर में ताली बजाने का कंपटीशन ही शुरू हो जाता है, दोनों खुशी में आकर कुछ ज्यादा ही जोश से जोर जोर से ताली बजाकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं जुसुक तो काफी सैड होकर उन दोनों को देख रहा होता है, लेकिन वो दुही को खुश देखकर वो भी हैप्पी होता है। तभी दुही की नजर जाती है मेयोंग पर, जो काफी अजीब तरह से उसे घूरने लगता है और एक इवल स्माइल के साथ अपने बड़े बड़े दांत दिखाने लगता है, जो दुही को काफी अजीब लगता है, और वो रुक जाती है। पर मेयोंग हंसते हुए चला जाता है, तो दुही भी गुआन के साथ आगे बढ़ जाती है। इसके बाद दोनों की फोटो सेशन होती है, दोनों थोड़े दूर खड़े होते हैं तो रिपोर्टर और फोटोग्राफर उनको एक दूसरे की तरफ फेस करने के लिए कहते हैं और थोड़ा करीब आने के लिए कहते हैं, पर गुआन तो ऐसे ही दुही की ओर घूम जाता है। दुही कहती कि क्या तुम भूल गए कि हम एक कपल हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से ट्राई करो। गुआन कहता ठीक है, ये बोलकर वो दुही को अपने करीब कर लेता है और पूछता है कि क्या इतना काफी है, तो वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो गुआन उसे छोड़ देता है, कहता है पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। उधर मिस शिन और बटलर दोनों साथ में होते हैं, वो दोनों इनको देखकर खुश हो रहे होते हैं। बटलर कहता है कि मेरे बॉस बेस्ट हैं। ये सुनकर मिस चिन कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि हमारी दूही मैडम अच्छी नहीं है। बटर कहता है कि मैंने ये नहीं कहा, तुमने ही ऐसा समझ लिया, मतलब यही सच होगा। ये सुनकर मिस शिन तो अपने अपने हाथों से फाइल्स को झाड़ने के लिए उठाती है, तो ये देखकर ही बटलर तो डर के मारे भाग जाता है। उधर फोटोग्राफर दोनों को किस करने के लिए कहता है, दुई कहती है ये थोड़ा प्राइवेट मैटर है। तभी पीछे से एक रिपोर्टर कहता है कि मैंने सुना है कि आपने ये शादी चेयरवुमैन बनने के लिए की है। ये सुन दुही दुही हंसते हुए कहती है कि बस किस करना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो दुआन को अपनी ओर घुमाती है, दुआन पूछता है कि क्या ये जरूरी है, तो दुही उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट कंडीशन याद दिलाती है कि पार्टी ए और पार्टी बी को पब्लिकली एक आइडियल कपल बनकर रहना है। ये सुन गुआन कहता है कि ठीक है फिर, ये बोलकर वो दुही के फेस पर अपना हाथ रखकर उसके करीब जाने लगता है। दुही तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, दोनों के बीच टेंशन बढ़ती ही जाती है, पर गुआन उसके लिप्स पर अपना थंब रखकर अपने थंब को किस कर लेता है, जो सामने की ओर से रिपोर्टर्स को नजर नहीं आता। अब उन्हें किस करता हुआ जूसे देखकर सैड हो जाता है। तभी फोटोग्राफर उनकी सोलो पिक्चर लेने की बात करता है, तो गुआन जाने लगता है, लेकिन फोटोग्राफर तो पहले उसी को बुलाते हैं, इसलिए दुही पीछे चली जाती है, तो सब लोग गुआन की फोटो क्लिक क्लिक करने लग जाते हैं। तो बटलर उसे फोटो खिंचाने के लिए पोज बताने लगता है। इधर दुही जूसुक से बात करने आती है, तो जूसुक कहता है कि शायद मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं था। दुही कहती कि बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम परफेक्ट हो, पर तुम मेरे लिए हमेशा फैमिली रहोगे, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। तभी गुआन पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ जूसुक को दुही के साथ देखकर तो उसके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, पर जूसुक गुआन को देखकर कहता है कि भले ही गुआन बाकी सबके साथ कितना ही रूड हो, वो तुम्हारे साथ काफी अच्छा है, एक और बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड हूँ। इस पर दुही उसे थैंक यू कहती है। तभी दुही और गुआन को यहाँ से पिक करने के लिए मिस चिन कार लेकर आ जाती हैं, जिसे मिस चिन अपने तरीके से डेकोरेट कर लाई थी। तभी गुआन दुही के पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चलें बेबी। दुही पूछती कि अब ये बेबी का क्या सीन है, वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें हनी बुलाऊं, चलेगा तुम्हें। ये सब दुआन जूसिक के सामने जानबूझकर बोल रहा था, तो सीन यहाँ पर ऑकवर्ड ना हो जाए, इसलिए दुही अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। जूसिक उसकी तरफ देख रहा होता है, तो गुआन कहता है कि एक मैरिड वुमेन को घूरना अच्छी बात नहीं होती, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत देखना उसे, क्योंकि मेरी नजरें हमेशा तुम्हें ही देखती रहेंगी। ये कहकर वो कार में बैठ जाता है, तो कार के अंदर से भी दुआन जूसुक को घूरने से मना करता है, और मिस शिन दुही के घर की तरफ कार लेकर निकल जाती है। इसी के साथ हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। थैंक यू।